नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, कैमरामैन संदीप के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चुनाव, पंचायत चुनाव चालू हो गया है नगर निगम का। रुधौली में अभी मैं खड़ा हूँ, रुधौली का क्षेत्र है ये नगर पंचायत रुधौली भी है। यहाँ ये हवा और गोसाई पुरवा का ये दोनों गाँव है, ये ग्राम सभा के बीच में मैं खड़ा हूँ। और मैं जा रहा था, यहाँ पे एक प्रत्याशी हमें आम आदमी पार्टी के मिल गए। टाइम जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 7:45 हो रहा है। मैं इनसे सोच रहा हूँ कुछ बात करने के लिए, और आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ, नवयुवक भी हैं, हमको भी लगा कि इनसे एक बार बात करना जरूरी भी है। बात करेंगे और इनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, आप लोगों को दिखाना भी चाहेंगे और आप लोगों को भी बताना चाहेंगे कि आखिर करना क्या चाहते हैं ये। क्या नाम है आपका? राजकुमार सोनी। राजकुमार सोनी जी, आप प्रत्याशी हैं किस चीज के? जी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के किस पद के प्रत्याशी हैं आप? जी, अध्यक्ष पद के। अध्यक्ष पद के, कहाँ के? जी, रुधौली। रुधौली जी। तो इससे पहले भी आपका कुछ बैकग्राउंड है? जी। क्या चीज? हम जो है हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता थे। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता थे 2012 से 2022 तक। फिर उस बीच में जो है 2012 से लेके 2022 तक, जी 10 साल यहाँ हिंदू वाहिनी के नगर अध्यक्ष रुधौली में रहा करते थे। नगर अध्यक्ष भी थे हिंदू युवा वाहिनी के आप? जी, जी, अच्छा जी, जी। उसके बाद हमने भाजपा ज्वाइन किया, महाराज जी का संगठन खत्म हो गया था हिंदू वाहिनी, उसके बाद हमने भाजपा ज्वाइन किया। भाजपा से पिछली बार भी टिकट मांगा था, जो है पिछली बार भी नगर पंचायत का टिकट हमको नहीं मिला था। उसके बाद हमने चुनाव लड़ा, जनता का श्रेय रहा इतना कि हमने जो है तीसरे स्थान पे भी रहा। उसके बाद फिर जो है भाजपा का हमने टिकट के लिए अब की बार भी किया था, लेकिन हमको पार्टी ने फिर नकार दिया। तो ऐसा लगता है आपको जैसे भाजपा में या सपा बसपा सब में कहीं ना कहीं इस टाइम में सिर्फ एक चीज का विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि लोगों को टिकट नहीं मिला तो वो दूसरा दल ज्वाइन किए, उसके बाद में चालू किए प्रचार। तो क्या नहीं लगता कि आपको अगर टाइम के खिलाफ या टाइम के साथ साथ चेंज होना अगर आपको कहा जाए तो क्या गलत होगा? नहीं, कुछ नहीं, हमारे लोग साथ हैं, क्योंकि हमारी जो है दुख सबको ही मालूम है कि हम लोग संगठन का काम करते हैं, महाराज जी के साथ काम किए हैं, 10 साल से काम किए हैं। समाज सेवा हमने ऐतिहासिक रूप से कार्य किया है। रुधौली में समाज सेवा की बात किया जाए तो हमने छठ पूजा में ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, हर साल करते थे, आज 10 साल से छठ पूजा का कार्यक्रम हुआ। हिंदू नववर्ष पे दीपोत्सव का कार्यक्रम करते थे, फिर दशहरा व दीपावली में मिष्ठान वितरण का काम पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में किया करते थे। उसके बाद तमाम सारी चीज, अभी हाल ही में जो है सरगाड़ माता जी की गेट का निर्माण हमने करवाया है, उसके बाद में हर साल वहाँ भंडारे का आयोजन होता है। तो इसीलिए हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है, आज भी जनता हमको नकारेगी नहीं, लेकिन माननीय हमारे जो है विधायक जी कहीं ना कहीं उनको टिकट मिला है भाजपा से, हमको पार्टी नहीं स्टार्ट। विधायक जी मतलब संजय जायसवाल जी? क्या जी, उनकी पत्नी, संजय जायसवाल जी की पत्नी को टिकट यहाँ से भाजपा पार्टी ने दिया है जी, जबकि वो विधानसभा भी हारी हुई है हाल ही में विधानसभा हारी है, जैसे कि सबको पता भी है यहाँ से, पता है। तो आपको क्या लगता है कि आपको ठगा गया है या आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ? आपको कुछ करना चाहिए था, आपको जैसे नवयुवक है आपको मौका मिलना चाहिए था बीजेपी से, जैसा कि आप बता रहे हैं कि महाराज जी के साथ आप 10 साल तक रहे, उसके बाद फिर बीजेपी जब ये क्या नाम है हिंदू युवा वाहिनी जब भंग होती है उसके बाद में आप भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, भाजपा ज्वाइन कर और भाजपा ज्वाइन किए कि आप सोचे कि हम यहाँ पे जनता की सेवा करेंगे और दमदार तरीके से। जी, सेवा करने का अवसर हम जनता से अपील करते हैं, आज भी अपील करते हैं कि जनता एक बार हमको भी सेवा करने का अवसर दे, और रात दिन सेवा करते रहते हैं। चुनाव हारने के बाद कंटिन्यू समाज में 5 साल आप कहीं भी पता कर सकते हैं, 5 साल कंटिन्यू मैं बना रहा, समाज के लिए बना रहा। जैसा कि जैसे अभी आपके यहाँ पे आपको भी सुनने को मिली गया होगा डबल इंजन सरकार जी, लगता है जैसा कि आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जी, जीत भी गए तो क्या कर पाएंगे हम यहाँ पे? अगर जीत गए हमको जनता उस लायक करती है। सबसे पहले यहाँ ये जरूर है कि यहाँ जहाँ आप जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं यहाँ पे अभी टाउन से लाइट नहीं जुड़ा हुआ है, अभी ये सब ग्रामीण क्षेत्र में लाइटें पड़ी हुई है, ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ दिखाई दे रहा आपको भी, यहाँ झाड़ू कहीं नहीं लगता और सारी समस्या, यहाँ अभी विवाह मंडप कहीं नहीं, 15 वार्ड है, 15 वार्ड में विवाह मंडप कहीं नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी समस्या रोड की भी, यहाँ दुर्दिन है, आप तो जैसा कि अभी देख रहे हैं जो है कहीं भी रोड साफ सफाई भी नहीं, सुथरा नहीं, कहीं स्कूल
अभी आपके बगल में केवटैया गांव, वहाँ एक विद्यालय भी आज तक नहीं बन पाया। पूरे ग्राम सभा में एक विद्यालय नहीं है? विद्यालय नहीं है। कभी आपने उस चीज के लिए आवाज उठाई? जी आवाज हमने कई बार उठाया लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। अभी तक नहीं हो पाया जी। आगे आपका प्लान क्या है? जैसा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ भी रहे हैं, आपको टिकट भी मिल गया, अब आम आदमी पार्टी का सिंबल भी मिल गया जी। लगता है आपको कि अगर जीत गए तो क्या करना चाहेंगे? जीत गए तो सबसे पहले हम यहाँ माँ सरघाट देवी का स्थान है जो कि भव्य तरीके से पूरा प्रसिद्ध रूप से है, वहाँ एक धर्मशाले का निर्माण होना चाहिए, वहाँ पे सुंदरीकरण होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है, यहाँ अभी कहीं गांव में अभी जाएंगे तो आपका फोर व्हीलर नहीं अंदर जा सकता है। बहुत दुख की बात है, अगर आप ये दुखती कहते हैं ना, दुखती नस पे हाथ रखना। अभी हम लोग आ रहे थे रुदौली से आपके इस ग्राम सभा की तरफ, तो हमको आने में करीब आधे पौन घंटे से ज्यादा लग गया, सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता होगा। और इतना गड्ढा था कि गाड़ी आ नहीं पा रही थी, मेरी गाड़ी नहीं आ पा रही थी। बड़े मुश्किल से कैसे कैसे लेके आए हैं यहाँ पे, इस रोड का कैसे क्या करेंगे? फिर से दीर्घसिंह निषाद जी फिर से वापिस यहाँ पे खड़े हैं अध्यक्ष पद पे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी वो तो जनता तय करेगी, तो जनता के ऊपर है, जनता विकास देख रही है कि 5 सालों में। इस गड्ढे के बारे में क्या कहना चाहते हैं, चूंकि आप भी 10 साल महाराज जी के साथ रहे हैं, फिर बीजेपी के साथ रहे हैं, अब क्षणिक क्षणिक दूरी हुई है ना आप लोगों की। जी जी जी। तो ये जो गड्ढा मुक्त जो प्रदेश बनाया जा रहा था, ये हकीकत तो यही है ना? नहीं या है? नहीं अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, लेकिन कोशिश अगला हमारा यही रहेगा कि जो है यहाँ पे गड्ढा मुक्त किया जाए। गड्ढा मुक्त जी आप करके दिखा देंगे? करके दिखा देंगे। और क्या मुद्दे हैं आपके जहन में कि जो ग्राम सभा, जैसे ये ग्राम पंचायत है सबसे निचले स्तर का, इससे प्रधानी होता है, उसके बाद में तो ग्राम पंचायत ही आता है जी। तो अगर नगर पंचायत ये है तो नगर पंचायत में आप क्या करना चाहेंगे? हमको तो बहुत ज्यादा दिक्कत लग रही है इस सबसे पहले तो 15 वार्ड है, 15 वार्डों में कम से कम विद्यालय बन जाए, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कितने वार्डों में विद्यालय नहीं है आपके? अभी हमारे हिसाब से लगभग 4 से 5 वार्डों में विद्यालय है ही नहीं। 5 वार्ड में विद्यालय नहीं है जी। केवटहिया गांव एक है बगल में ही, वहाँ पे अभी 10 साल बच्चे से पूछा तो शुद्ध नाम नहीं बता पाता, बहुत कष्ट होता है। गांव में हम जाते हैं पूछते बाबू क्या नाम है, तो डायरेक्ट वो नाम नहीं बता पाता है, इतना दुर्दिन है। जबकि 5 सालों में उन्होंने विकास क्या किया, हमको तो समझ नहीं आया कि 5 सालों में विकास क्या। ये कहीं विवाह मंडप नहीं है अभी आप गाँव में, अगर रुदौली में नहीं है क्या? पूरे रुदौली में विवाह मंडप अभी नहीं है। हमने इसके पहले भी रुदौली में एक मांग किया था, जो व्यापारी बंधु है उनके लिए हमने समर टेबल का डिमांड किया था, जैसे 30 लाख 40 लाख के दुकान लगा के बैठे हुए हैं, कहीं आगजनी की व्यवस्था होती तो कहीं पानी हमारे यहाँ नहीं मिल पाता, कहीं पूरे नगर पंचायत में कहीं समर टेबल की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था हमको करनी है। मतलब दिक्कतें बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, दिक्कतों से जूझना है, लड़ना है। आखिरी चीज आप बताइए कि जिस तरह से ये सारी चीजें हुई, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से एक ही अपील करते हैं, अब की बार हमको जो है पूर्ण रूप से विजयी बनावे। फिर हम यहाँ एक और समस्या है, सबसे भारी समस्या है, कहीं पूरे 15 वार्ड में कहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। समाज में बहुत सारे तबके गरीब परिवार के पड़े हुए हैं, उनके कभी कभी ऐसा देखा जाता है उनके ले जाने के लिए हॉस्पिटल कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो कम से कम एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए सुदृढ़ रूप से कि वहां से पहुंचा सकते हैं उसे हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल पे एम्बुलेंस नहीं है? हॉस्पिटल पे एम्बुलेंस है लेकिन पूरे नगर पंचायत या नगर पंचायत के द्वारा ऐसी कोई सुविधा नहीं उपलब्ध है। अच्छा, नगर पंचायत के द्वारा ऐसी सुविधा नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं उपलब्ध हो पाई। तो ये आपका मुख्य मुद्दा है जी। आपके जो 15 वार्ड है उसमें कितने ऐसे मेंबर है जिसको वोट देना है, कितने मेंबर है? 15 वार्ड जी। आप कितना प्रत्याशी जो है अध्यक्ष के? प्रत्याशी नहीं जी, हम कह रहे हैं जितने लोगों को वोटिंग करना है जी। वोटर, वोटर 19,800 कुछ वोटर हैं। 19,000 कुछ जी। कितने प्रत्याशी? 16 प्रत्याशी। 16 प्रत्याशी। इससे पहले कितने थे? पिछले बार 23 प्रत्याशी थे, उसमें डमी भी कुछ रहते हैं, जैसे कोई 2 पर्चा बढ़ा रहता है जो है, कोई 3 पर्चा बढ़ा रहता है जी। नहीं, अब की बार में भी पहले जो चुनाव हुआ, जैसे जो पर्चा खरीदा गया या डाला गया, तो उसमें कितने लोग थे और चुनाव अब की बार की बात कर रहा हूँ मैं। अब की बार 16 अभी हैं जी, पहले कितने थे अभी में? अभी 19 थे पहले, 19 तीन वापसी जी। चलिए, राजकुमार जी है ना आप? जी राजकुमार, जैसा कि आप लोग सुन रहे थे राजकुमार जी को, राजकुमार सोनी जी हैं, यहाँ रुदौली से नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग उनको सुने, आप डिसाइड कीजिए नगर पंचायत अध्यक्ष रुदौली किसको बनाना है, और इनके विचारों को आप हमको बताइएगा कि किस तरह से आप ले रहे हैं। अभी देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा कैमरामैन संदीप के साथ।